Hey beauties, welcome back to Blush with Nikki. Hope you all are doing good and safe. So today I'll show you how to create no makeup makeup look, or you can say teenagers daily makeup routine, which you can create in 5 to 10 minutes. So before starting the video, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe the channel and press the bell icon. सो फॉर द फर्स्ट स्टेप हमें अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है. मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है. उसके बाद हमें प्राइमर यूज करना है. आई एम गोइंग टू यूज लैक्मे एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर. ये मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. चाहे हम डार्क मेकअप कर रहे हो, लाइट कर रहे हो, नो मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, बट प्राइमर लगाना तो जरूरी है. After that, I'm skipping the foundation because हम no makeup look create कर रहे हैं तो foundation थोड़ा heavy हो जाता है, इसलिए हम CC cream use करेंगे. ये है Lakme 9 to 5 CC cream. Blend it with your fingers और beauty blender और brush जैसे आपको सही लगे. बट ये सीसी और बीबी क्रीम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फिंगर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है. एक तो बिना मिरर के बहुत मुश्किल होता है. तो सीसी क्रीम ब्लेंड हो चुकी है. अब हम अपनी सीसी क्रीम को थोड़ा सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज करेंगे. आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन. डोंट फॉरगेट टू कवर योर नेक एरिया. मूविंग ऑन टू द आई मेकअप. आई मेकअप में हमें कुछ भी हैवी आई शेडो या फिर कुछ भी यूज नहीं करना. जस्ट हमें पहले काजल अप्लाई करना है टू कीप इट नेचुरल. अब मैं ये वाला शेड अपने एज अ आई शेडो यूज करूंगी. ये वैसे ब्लश का शेड है, लेकिन ये जो पिंक शेड है हमें बहुत लाइट अप्लाई करना है. अपनी आईज को ज्यादा डार्क नहीं करना. To keep it natural. See, मैंने कितना लाइट लगाया कि अभी इतना लाइट है कि ये इतना दिखाई भी नहीं दे रहा प्रॉपरली. आफ्टर आई शेडो हमें अपनी आईब्रोज करनी है. आईब्रोज हमें बिल्कुल लाइट कलर से करनी है. जैसे मैं लाइट ब्राउन पेंसिल यूज कर रही हूँ. मैं हैवी मेकअप में भी यही यूज करती हूँ. मेरे को आईब्रोज ज्यादा डार्क डार्क दिखाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे अलग ही लगती है. तो मेरी आईब्रोज वैसे भी बहुत मोटी मोटी हैं, तो फिर ये लाइट कलर की हम पेंसिल यूज करेंगे आईब्रोज के लिए. आई हैव टू यूज मिरर. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज आईलैश कर्लर. सी द डिफरेंस. नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्लश का. ब्लश बिल्कुल लाइट अप्लाई करनी है हमें. बिल्कुल ही लाइट नेचुरल लुक देना है तो हमें बिल्कुल लाइट ही अप्लाई करनी होगी. डन. और थोड़ा सा नोज पे भी. सो हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है. यू कैन सी बिल्कुल नेचुरल लग रहा है. ऐसे लग ही नहीं रहा कि कुछ ज्यादा मेकअप किया हुआ है ना. तो अब लिपस्टिक का स्टेप रह गया. लिपस्टिक में आप या तो न्यूड शेड यूज करो या फिर आप कोई कलर्ड लिप बाम भी यूज कर सकते हो जो लाइट हो. आपको डार्क नहीं यूज करना बिकॉज वो फिर मेकअप नो मेकअप लुक नहीं लगेगा अगर आप डार्क लगा लोगे लिपस्टिक. तो आई एम गोइंग टू यूज मेबेलिन बेबी लिप्स की लिप बाम. ये थोड़ा पिंक शेड में है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.